नमस्कार, मैं हूं जगतपाल। आप देख रहे हैं आशीष न्यूज़। पूरे देश भर में छठ पर्व का बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेशन किया जाता है और आज हम लोग बुंडू थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर प्रांगण के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके पास खड़े हैं। छठ का एक बहुत बड़ा घाट माना जाता है। वैसे भी पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है, प्रधान नगर बुंडू में स्थित है। इसकी तैयारी छठ पूजा के लेके तैयारी जो यहाँ की जो व्यवस्था यहाँ पे जो व्यवस्थापक है कर रखा है, पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है। इस बार पानी की तादाद बहुत ज़्यादा है तालाब में, उसको लेकर के प्रशासन भी मुस्तैद है और आशीष न्यूज़ की टीम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि कौन सा जगह है जहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं और भी हैं, आप देख सकते हैं और आप जहाँ सुविधा हो वहाँ पर अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि ये वो घाट है जहाँ पर प्रदेश के अलग अलग जगह से भी लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। हम कह सकते हैं रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, लोग दूर दूर से यहाँ पर छठ का पूजा करने के लिए आते हैं। छठ का ये जो घाट है पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है, सफाई बिल्कुल क्लीन है। लोग यहाँ पर आकर के अपनी आस्था का जो पर्व है, छठ का जो पर्व है, उसका यहाँ पर करेंगे। सभी अपने अपने छठ व्रती परिवार के साथ आएंगे और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में सूर्य भगवान जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो बहुत बड़ा मंदिर यहाँ प्रधान नगर बुंडू में स्थित है जहाँ पर दूर दूर से लोग छठ व्रती यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ तक कि एक दिन दो दिन पहले से भी आकर के लोग यहाँ रहते हैं, ठहरते हैं और इसका आनंद उठाते हैं, पूजा का आनंद उठाते हैं। उसके साथ पूजा करने के तुरंत बाद सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना। जो छठ का घाट है आपको दिखाना चाहते हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से कि सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। छठ व्रतियों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर शाम के समय और सुबह के समय लाइट का भी व्यवस्था रहेगा और जहाँ छठ का घाट है से लेकर के रोड तक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो मात्रा है हर साल के तुलना में इस बार कुछ ज़्यादा है, पानी की संख्या ज़्यादा है इस तालाब में, इसलिए हर तरीके के खतरे से निपटने के लिए भी प्रशासन की ओर से तैयारी आपको दिखाई पड़ेगी जिस दिन छठ की तैयारी में छठ की पूजा के लिए लोग आएंगे। पिछले साल प्रशासनिक तरफ से नाव वगैरह का व्यवस्था कराया गया था, इस बार भी कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी आपको शायद। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो बुंडू का सबसे बड़ा तालाब है जहाँ पर छठ व्रतियों के लिए विशेष तैयारी कराई जाती है और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपना पूजा पाठ के लिए। आप देख सकते हैं प्रति पूर्व दिशा की ओर जो सूर्य भगवान उठते हैं उसको लेकर ये तैयारी है। उसके बाद ये जो तालाब है पीछे से बड़ा सा तैयारी है, पीछे और भी है जहाँ पर हम आपको ले कर चलते हैं, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारी छठ व्रतियों के लिए संस्कृति विभाग की ओर से कराई जाती है, बुंडू पंचायत नगर पंचायत की ओर से की जाती है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ से ये घाट की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, बुंडू नगर पंचायत और संस्कृति विहार प्रधान नगर बुंडू की ओर से इस तालाब में बहुत दूर दूर से लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर नंबरिंग किया गया है, आप देख सकते हैं नीचे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस प्रकार से नंबरिंग किया गया है। यहाँ पर 39, 40, 41, 42 किया गया अपने नंबरिंग के हिसाब से, जो लोग हैं ना को अपना अपना बना लिए कि किस जगह पे हमको पूजा करना है, इसकी तैयारियां लोगों ने कर रखा है। और नीचे एक बहुत पानी की संख्या इस बार ज़्यादा है, निश्चित रूप से पानी की संख्या ज़्यादा है और लोगों को दिक्कत नहीं हो इसके लिए मुस्तैदी के साथ तैयारियां की जा रही हैं। पहले छोर से लेकर दूसरे छोर तक पूरी लाइट व्यवस्था लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं लाइट के लिए जो बांस गाड़ी गई है वहाँ पर लाइट लगेगी ताकि छठ व्रतियों को 1% भी दिक्कत ना हो। ये तालाब हर साल के तुलना में पानी की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि पानी संख्या ज़्यादा होने की वजह से खतरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक तरीके से कुछ तैयारियाँ और भी की जाएंगी। लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप स्वच्छता के हिसाब से, साफ़ सुथरे के हिसाब से आप जो है ना
अपने सुविधा अनुसार आप अपना जगह ले सकते हैं। आपको आज सूर्य मंदिर के उस तालाब का हम आज मुआयना करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहां पर व्यवस्था किस प्रकार से की गई है उसका पूरा ब्यौरा आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। ये वो स्थान है जहां पर बड़े तैयारियां हैं, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, दूसरे छोर से लेके इधर तक जो है ना कि साफ़ सुथरा कराया गया, बिल्कुल साफ़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है। और छठ व्रतियों की सुविधा के लिए लाइट की व्यवस्था लगाई गई, टेंट की व्यवस्था लगाई गई है। और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस छठ पर्व के मौके पर, इस साल की छठ पर्व के मौके पर बहुत बड़ी तैयारियां हैं। और सूर्य मंदिर जो है वो प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, झारखंड प्रदेश का, जहां पर भगवान सूर्य साक्षात रहते हैं। यहां पर लोग आ करके भगवान सूर्य का भी आराधना करते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं, पूजा भी करते हैं। इस नज़रिए से ये सूर्य मंदिर का ये तालाब बहुत ही माननीय माना जाता है, जहाँ पर सूर्य भगवान की पूजा भी की जाती है, अर्घ भी दिया जाता है और भगवान सूर्य का दर्शन भी किया जाता है। हम आपको हर घाटों का मुआयना कराएंगे। अभी हम लोग सूर्य मंदिर के घाट के पास खड़े हैं और हम आगे और भी घाटों का आपको मुआयना कराएंगे। जिस तालाब के बाहर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम है, टोकन सिस्टम है। जो भी छठ व्रती यहाँ पर पूजा करने के लिए आएंगे, उनको नंबर दिया गया है, उनको टोकन नंबर दिया गया है, उसी टोकन नंबर पर वो खड़े रहेंगे, वहाँ पर अर्घ देंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पर नीचे नंबर सिस्टम है, टोकन सिस्टम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो टोकन नंबर उनको मिला है उस टोकन नंबर पे आकर के आराम से पूजा पाठ करते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ जहाँ पर नंबर दिया गया, जिनको पहले टोकन दे दिया गया कि आप इस टोकन में जाके पूजा करेंगे, तो किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बहुत अच्छी शुरुआत माना जा सकता है यहाँ बुंडू के लिए, और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिनको भी जो टोकन मिला है उसी टोकन पर जाएँ और जा करके आप भगवान सूर्य भगवान को अर्घ दें, सुबह शाम अर्घ दें, भगवान सूर्य की उपासना करें और खुशी खुशी आप अपने जीवन में जो भी मनोकामनाएँ हैं वो उनसे मांग करके आप अपना पूर्ण करें। ये आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है, महापर्व है छठ की पूजा। निश्चित रूप से इस लौकिक पूजा को आज हर व्यक्ति मानने लगा है और धीरे 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 इसकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ रही है। गांव देहात हर जगह लोग कर रहे हैं। हमारे बीच में संस्कृति बिहार के ओर से एक बहुत ही गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या तैयारियाँ इस बार छठ व्रतियों के लिए है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर छठ व्रती जो आते हैं वो अर्घ के साथ साथ भगवान सूर्य का सीधे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये झारखंड का ही नहीं, भारत के विशालतम सूर्य मंदिरों में से एक है। इतना बड़ा सूर्य मंदिर भारत में अभी तक नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा सूर्य मंदिर बनने का, प्राप्त होने का गौरव इस सूर्य मंदिर को प्राप्त है। और यहाँ गत 25 वर्षों से लगातार छठ व्रती आधे झारखंड से आते हैं। जैसे रामगढ़ है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, पलामू है, खूंटी है, ऐसे अनेक जगहों से यहाँ पर अधिकांश लोग व्रती के रूप में यहाँ पर आते हैं। अभी जो छठ व्रती यहाँ पर तैयारी करते हैं, इतने लंबे दूर दूर से लोग आते हैं, तो किस किस तैयारियाँ संस्कृति बिहार की तरफ से किया जाता है? देखिए, सभी छठ व्रतियों के लिए जिस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है वो सब व्यवस्थाएं उनके लिए निशुल्क उपलब्ध रहती है। जैसे उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए जलपान और चाय की व्यवस्था, उनके साथ जो सहयोगी रहते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, घाट पर उनको अर्घ देने के लिए दूध की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था। और रात्रि में ये जागरण का पर्व है तो लोग जगे रहें, इसलिए भजन संध्या का भी कार्यक्रम होता है। और आप देख ही रहे कि सड़क निर्माण, साफ़ सफाई, घाट, इतना अच्छा घाट, साफ सुथरा और इतना आयुर्वेदिक जल पूरे आपको झारखंड के किसी भी छठ घाट पर नहीं मिलेगा। ये थे हमारे बीच में प्रमोद जी, जो संस्कृति बिहार की ओर से एक बहुत गण्य व्यक्ति, मान्य व्यक्ति हैं। और हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि पूरे देश में इतनी बड़ी जो सूर्य मंदिर का जो निर्माण हमारे झारखंड प्रदेश के बुंडू स्थित में है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा सूर्य भगवान की पूजा एक तरफ होती है, दूसरी तरफ सूर्य भगवान का दर्शन भी लोग सीधे सीधे करते हैं, उनसे जा कर के अपना वर मांगते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि जल भी मिलता है, पानी भी मिलती है और इतनी सारी व्यवस्थाएँ मिलती है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सूर्य मंदिर की जो व्यवस्था है, पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के भगवान सूर्य की उपासना करे, देखे, समझे और भगवान का दर्शन करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।